अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। गाइस, तो यहाँ हम बना रहे हैं चरसी कढ़ाई, और हमने सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाला और चिकन को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिली सेंटर से कट के ऐड की थी, और साथ ही पोटैटो कट करके ऐड कर दिए थे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और हमने दो छोटे प्याज लिए थे, उसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक कट कर लिया था, और वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया। और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने कवर कर दिया था, और कवर करने के बाद कुछ देर बाद हमने देखा तो ऑलमोस्ट चिकन का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गया, और पोटैटोज भी बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं। और ये हम फुल हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट चिकन भी डन हो चुका है, और आलू भी गल चुके हैं, और हम अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लिया। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून हम ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजिम दीजिएगा। आपने इसको फुल हाई फ्लेम पे कुक करना है, और थोड़े थोड़े देर बाद आपने इसको चेक करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे बिल्कुल भी। और कढ़ाई का मज़ा कढ़ाई में ही आता है, कढ़ाई में पके तो इसका टेस्ट ही अलग आता है। और बहुत ही यम्मी बनी थी ये। मेरे हस्बैंड का स्टाइल है ये, मेरे हस्बैंड स्टाइल कुकिंग है, उन्होंने बनाया ये चिस्का कढ़ाई। हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आप भी ज़रूरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप देख सकते हैं चिकन भी गल गए, आलू भी गल गए ऑलमोस्ट जी। गाइस, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने ये टर्मरिक पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और अब हमने इसमें 1/2 ही टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट अगर हमें कम लगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सॉल्ट और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन चिली है जो हमेशा सेंटर से कट करके डाला करें ताकि स्पाइसेस अंदर ऐड हो जाएं। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर, वो भी हमने 1 टीस्पून लिया है। और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। रमज़ान आने वाला है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत रखे और अच्छे से सबका रमज़ान गुजरे। यहाँ हमने टमाटो पेस्ट भी ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर लिए थे, और उसकी टमाटो प्यूरी बना ली थी, और इस हमने टमाटो प्यूरी भी इसमें ऐड कर दी है। ये टमाटो प्यूरी जो बनाई थी उसमें थोड़ा पानी ऐड करके भी हमने ऐड कर दिया। और अब हम इसको कवर कर देंगे और वेट करेंगे जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। रू, आप कहाँ जा रही हो? वीकेंड एंजॉय करने? यस। ये आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है ऊपर? ऐसे ही पहनी है ताकि भूख लगे। आप आजकल हैप्पी हो? क्यों? कौन आया है? वही मैं कह रही हूँ। आप हैप्पी हो? हैं रू? और अभी जा रहे हैं। ये क्या है आपके हैंड में? स्पीकर है। अच्छा, वो देखो दादू, दादू रेडी हो गई हैं। देखो माशाल्लाह, देखो दादू कितनी रेडी हो गई हैं।
हम जा रहे हैं वीकेंड एंजॉय करने और अभी मैं जाऊंगी बाहर और पापा मुझे लेके देंगे शूज। अब फिर आपकी रट शुरू हो गई है शूज की। पर पापा ने बोला अगर अगर मिले तो। अच्छा ये गाइस हमने पैकिंग की है कार्टून्स में क्योंकि हमने ये पाकिस्तान कार्गो भिजवाना है, तो बस आज सारा दिन उसमें गया। हम लोग सब मिलके ये कर रहे थे, कार्टून में हमने सामान डाला है और बस अभी हम जा रहे हैं बाहर। आज है फ्राइडे, वीकेंड एंजॉय करेंगे। और इधर ये चार्ज लगता है। और आपका एग्जाम कैसा हुआ आज? ये देखिए जी, इधर चार्ज लगता है। ये ब्लूटूथ स्पीकर है, स्पीकर अच्छा लगता है और दादो ने हमको दिया है वाओ। और ये अभी आप कार में भी लेके जाओगी? जी पापा ने बोला है कि हम ये बाहर जाके इसके सॉन्ग्स लगाएंगे। तो ये देखिए अभी ऑन नहीं करो ना। मैं अभी ऑन हुआ ही नहीं, अगर मोबाइल ऑन हुआ तो। भाई कहाँ है? भाई को बुलाओ। ये देखें गाइस कैसे बिल्कुल कुक हो गया है और टमाटोज का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और बिल्कुल रेडी हो गया। ये हमारा चटसी कढ़ाई और ये हमने ऊपर से कोरिएंडर ऐड किया है। कोरिएंडर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, वो मैं ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश भी कर सकते हैं। और सॉल्ट मुझे यहाँ हमें कम लगा था और हमने हाफ टी स्पून यहाँ सॉल्ट भी और ऐड किया था। तो ये देखिए यम्मी डिलीशियस सा हमारा चटसी कढ़ाई जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आप नान के साथ या तंदूर की रोटियों के साथ जो आपको पसंद हो उसके साथ ये एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें आप इसकी लुक चेक करें, ज़बरदस्त माशाल्लाह। हमने यहाँ पे डिनर कर लिया और अब हम जा रहे हैं बाहर। रेडी हो चुके हैं, लिफ्ट ओपन हुई और अब हम रेडी हैं, मिलते हैं बाहर जाके। ये देखें ऑफर लगी हुई है, कॉस्मो मास्क, फेस मास्क, लैवेंडर के दो।
कितना प्यारा है, कितने प्यारे कलर है, बहुत खूबसूरत है, प्यारे प्यारे। ठीक है, रील आपने ना प्लास्टिक के बोल बोल बस इकट्ठे कर जा रहा है, ये देखें गाइस बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है रमज़ान के लिए क्योंकि आगे रमज़ान आने लगा है, और बहुत ही प्यारा डेकोरेशन। जी गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दुआओं में याद रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अल्लाह हाफिज़।